दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपके लिए जो लेके आया हूं वो है डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लेकेसिस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, होम्योपैथी में जो लेकेसिस मेडिसिन है वो ओफिडिया ग्रुप को बिलोंग करती है, मतलब ये स्नेक वेनम से बनने वाली दवाइयां हैं। स्नेक वेनम से बनने वाली दवाइयां होम्योपैथी में और भी हैं, तो हमारा इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के दूंगा आपको, जिसमें हम ओफिडिया की ग्रुप स्टडी करेंगे। लेकिन आज का जो वीडियो है वो लेकेसिस के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर तक ही सीमित रहेगा। जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम ओफिडिया ग्रुप की सारी मेडिसिन की बात करेंगे। इस ओफिडिया ग्रुप में जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है लेकेसिस, जिसको आज हम यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा प्लान होगा वो और डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आज मैं आपको सबसे पहले लेकेसिस के एक एक करके फीचर्स बताऊंगा और फिर उनको मेमोराइज करने के लिए स्नेक्स के कुछ ना कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा, ऐसे साइन बताऊंगा जिससे आपको लेकेसिस याद हो जाएगी। अगर आपने ये 10 पॉइंट बहुत ध्यान से सुने और इन दसों को ढंग से देखा, वन बाय वन मैं आपको ऐसे फीचर्स दवाई के बताऊंगा जिससे आपको लेकेसिस पूरी मेमोराइज हो जाएगी। ध्यान रहे, इसमें मैं आपको 10 फीचर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ लेकेसिस। फर्स्ट सिम्टम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकेसिस एक हॉट पेशेंट होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखिए, जितने भी स्नेक्स होते हैं, जितने भी सांप होते हैं, इनको आप सब जानते हो, ये बिल में रहते हैं। बिल में क्यों रहते हैं? क्योंकि ये सब हीट सेंसिटिव होते हैं, इनको गर्मी पसंद नहीं है, इसलिए वो जमीन के अंदर चूंकि ठंडक महसूस करते हैं इसलिए उनको बिल पसंद होते हैं और वो बिल में रहते हैं। इसलिए लेकेसिस का पेशेंट एक हॉट पेशेंट होता है। यह है पहला फीचर। दूसरे फीचर की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हो, लेकेसिस का जो पेशेंट होता है वो बहुत ही सस्पिशियस एंड जेलस होता है। तो आप जैसा कि सांप का नेचर जानते हैं, सांप का नेचर कैसा होता है? सांप का नेचर होता है काटने वाला। अगर वो किसी को सामने देख लेता है तो वो क्या कोशिश करता है? वो उसको हमेशा ये शक रहता है कि मुझे मार डालेगा। अगर आप कभी जा रहे हैं और आपके सामने सांप आ गया, चाहे भले ही आपका इंटेंशन उसको मारना नहीं है, लेकिन वो बहुत सकी होता है, बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है। अगर वो ये देख लेता है कि कोई ह्यूमन उसके अप्रोच में आ रहा है तो उसको हमेशा ये शक होता है कि ये मुझे मार डालेगा, और एक जेलेसी का भाव रखते हुए वो तुरंत उस पर अटैक कर देता है। इसलिए लेकेसिस का पेशेंट बहुत ही सस्पिशियस एंड जेलस होता है। तीसरा फीचर लेकेसिस का है सेक्चुअलिटी। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, जब भी हम लेकेसिस पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि लेकेसिस की जो फीमेल होती है, ये एक फीमेल के लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट रेमेडी है। तो इसकी जो फीमेल होती है वो बहुत ही सेक्चुअल नेचर की होती है, अट्रैक्टिव होती है, या मैं कहूं और अच्छी तरह इसको समझाऊं तो ये हमेशा अपोजिट सेक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकेसिस की जो फीमेल होती है। तो दोस्तों, इस फीचर को मैं जरा आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। आपने जितनी भी इंडियन मूवीज देखी होंगी जो कि स्नेक से रिलेटेड हैं, आपने क्या देखा है? इच्छाधारी नागिन के बारे में सुना होगा आपने। इच्छाधारी नागिन क्या करती है? इच्छाधारी नागिन अपना भेष बदल के एक अट्रैक्टिव बॉडी बनाकर दूसरों को छल से अपना बना लेती है और फिर जाके उनको मार देती है। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये एक माइथोलॉजिकल कंसेप्ट है,
ये एक फिल्मी कंसेप्ट है, ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है कि सांप का ऐसा कोई करेक्टर नहीं होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर में हम सिर्फ मेडिसिंस के करेक्टर्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए यहां मैंने इसको आपको इच्छाधारी नागिन से इसको कनेक्ट किया है। लेकेसिस की जो सेक्चुअलिटी होती है वो सांप से कैसे रिलेट करती है, क्योंकि इंडियन मूवीज या माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है कि सांप कभी भी अपना अट्रैक्टिव भेष बदल सकता है, कभी भी अपनी अट्रैक्टिव बॉडी को बना सकता है, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बना सकता है। इसके अलावा यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो स्नेक्स का जो सिंबल होता है वो एक्चुअली सेक्चुअलिटी को डिनोट करता है। मतलब अगर आपको ड्रीम्स में सांप दिखते हैं तो यू आर वेरी सेक्चुअल इन नेचर, ऐसा माना जाता है जब आप साइंस ऑफ ड्रीम्स पढ़ेंगे तो यहां से इसको कोरिलेट किया जाता है कि सांप चूंकि सेक्चुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है इसलिए लेकेसिस की फीमेल बहुत ज्यादा सेक्चुअल होती है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी तीन फीचर्स बता दिए, नाउ नेक्स्ट फीचर इज लेफ्ट साइडेडनेस। लेकेसिस की जितनी भी कंप्लेंट्स हैं वो सब लेफ्ट साइडेड होती हैं या लेफ्ट टू राइट जाती हैं। इसका कारण है कि जो स्नेक्स होते हैं वो ज्यादातर स्नेक्स लेफ्ट साइड की तरफ मूव करते हैं। आप देखिए जब भी सपेरा सांप को पकड़ता है तो वो हमेशा उल्टे हाथ से पकड़ता है, क्योंकि अगर उसने सीधे हाथ से पकड़ा तो सांप लेफ्ट साइड की ओर जाएगा और उसको काट सकता है, इसलिए वो उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ता है। तो वो सांप जो है अपना फन लेफ्ट साइड में मारता रहता है तो बॉडी से दूर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जितने भी स्नेक्स होते हैं वो ज्यादातर लेफ्ट साइड को मूव करते हैं, इसलिए लेकेसिस की ज्यादातर कंप्लेंट्स लेफ्ट साइडेड होती हैं या लेफ्ट टू राइट जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फीचर क्या है, लेकेसिस के अगर आप सिम्टम्स देखेंगे तो लेकेसिस को क्या होता है, फास्टिंग से एग्रावेशन होता है और खाना खाने से रिलीफ आता है। फास्टिंग से एग्रावेशन, खाना खाने से रिलीफ आना, ये भी स्नेक से कोरिलेट करता है। कैसे, आप सभी लोग जानते हैं अगर सांप भूखा है, जब भी सांप भूखा होता है तो वो ज्यादा काटने की कैपेसिटी हो जाती है, फिर वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है अगर वो फास्टिंग स्टेट में रहता है। ऐसा माना जाता है कि सांप अगर भूखा हो तो वो ज्यादा काटता है, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है, ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसलिए लेकेसिस के सारे जो सिम्टम्स हैं वो फास्टिंग से एग्रावेट होते हैं और खाना खाने से उनमें रिलीफ आता है। अगर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं ब्लीडिंग डायथेसिस। लेकेसिस के अंदर ब्लीडिंग डायथेसिस के साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट करेक्टर क्या होता है कि जब भी लेकेसिस को ब्लीडिंग हो जाए कहीं से या उसके डिस्चार्जेस निकल जाए तो उसको बड़ा रिलीफ आता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, लेकेसिस का ये करेक्टर होता है कि अगर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए या उसको डिस्चार्जेस आने लग जाए तो उसको सिम्टम्स में रिलीफ आता है। अगर इसको हम सांप के करेक्टर से कोरिलेट करें तो कैसे, देखिए जब भी सांप काटता है तो क्या होता है, जब भी सांप काटता है तो हम क्या कोशिश करते हैं कि जिस जगह पर सांप ने काटा है वहां या तो काट के हम जो ब्लड है उसको निकाल दें, या फिर जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ब्लड को वो जिस जगह पर सांप काटता है उस जगह को सक किया जाता है और थूक दिया जाता है, सक किया जाता है और थूक दिया जाता है। तो जहां पर सांप काटता है अगर उस ब्लड को निकाल दिया जाए तो ये मान के चलते हैं कि हम उसके पॉइजन को निकाल देते हैं। तो इससे हमको लिंक क्या मिलती है, इसीलिए शायद लेकेसिस को सभी प्रकार के डिस्चार्जेस होने से आराम आता है या ब्लीडिंग होने से आराम आता है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं लेकेसिस के जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो ऑफेंसिव होते हैं, ऑफेंसिव डिस्चार्जेस। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि सांप का स्टूल बहुत ऑफेंसिव होता है। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार जू गया था तो वहां मैंने बड़ी जब एक मतलब उसमें जब जहां स्नेक्स वगैरह थे वहां एक बड़ी गंदी सी स्मेल महसूस करी,
मुझे अभी भी वो स्मेल मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बड़ी एक ऑफेंसिव सी स्मेल आती है उसके स्टूल में, सांप के स्टूल में। इसलिए शायद लेकेसिस के जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो ऑफेंसिव करेक्टर के होते हैं, ऑफेंसिव नेचर के होते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जैसा कि आप जानते हो कि लेकेसिस के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो टच से एग्रावेट होते हैं या साउंड से एग्रावेट होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सांप जो होता है उसके कान नहीं होते, वो सांप की जो स्किन होती है वही उसके कान का काम करती है और उसी से वो सेंस करता है, वो वाइब्रेशन को सेंस करता है। बेसिकली साउंड नहीं समझ सकता वो, जैसे सांप, जब सांप को आप देखेंगे जो सपेरा होता है वो बीन से कंट्रोल करता है, तो बीन इसमें क्या करती है, बीन एक्चुअली जब बीन बजती है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और जिस साइड में उसको वाइब्रेशन फील होते हैं सांप उस तरफ को मूव करता है। आपको क्या लगता है कि सांप बीन को सुनता है? सांप बीन को कभी नहीं सुनता, सिर्फ उसको वाइब्रेशन फील होते हैं। तो वो स्किन से, एक्चुअली उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। तो जितने भी स्नेक्स होते हैं वो एक तो साउंड के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, दूसरा टच के लिए। आप देखेंगे कभी भी कोई सपेरा जब घर में आता है और वो सांप अगर सो रहा है या लेटा हुआ है स्लगिश, तो वो जरा सा उसको टच करेगा वो एकदम फन उठा लेता है। तो टच से बहुत जल्दी एग्रावेट होते हैं स्नेक्स और साउंड से बहुत जल्दी एग्रावेट होते हैं, जिसका फीचर हमको मेडिसिन में देखने को भी मिलता है कि लेकेसिस की जो फीमेल है वो टच और साउंड को बियर नहीं कर पाती। अगर नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। जैसा कि आप जानते हैं लेकेसिस में एक सिम्टम होता है कि उसको गले में एक कंस्ट्रिक्टिंग फीलिंग का एहसास होता है और ये कंस्ट्रिक्टिंग पेन जो है गले का वो लिक्विड लेने से एग्रावेट होता है और सॉलिड लेने से एम्ल्यूरेट होता है। आप देखिए कितना एक कंट्रोवर्शियल सिम्टम है, एक कितना अपोजिट सिम्टम है कि मरीज को गले में जो दर्द है वो खाली निगलने से या पानी के निगलने से एग्रावेट हो रहा है और सॉलिड से एम्ल्यूरेट हो रहा है। अगर मैं इसको सांप के फीचर से कंपेयर करूं तो आप इसको कैसे देखेंगे? आपको सबको मालूम है ये एक बड़ा एक गलत मिथ है कि सांप दूध पीता है। सांप कभी दूध नहीं पीता। जब सांप बहुत ज्यादा प्यासा होता है तो वो एक या दो सिप दूध के ले सकता है, तो हमको क्या लगता है ये दूध पीता है, वो कभी दूध नहीं पीता। तो इसको आप ऐसे समझिए कि वो लिक्विड नहीं चाहता। तो फिर सांप क्या होते हैं? सांप मांसाहारी होते हैं, सांप चूहों को खा सकते हैं, सांप किसी सॉलिड जीव को खा सकते हैं जो उसके साइज के हिसाब से। तो जैसा आप अजगर के बारे में भी देखते हो कि अजगर बड़े से बड़े एनिमल को निगल जाता है, तो एक्चुअली सांप को आप ऐसे समझिए कि वो जो सॉलिड एनिमल्स को निगल सकते हैं लेकिन लिक्विड पसंद नहीं है उनको, उनको फ्लूइड पसंद नहीं है, सॉलिड चीजें खाना पसंद है। इसलिए लेकेसिस का जो पेशेंट होता है उसको गले में सॉलिड चीजों से आराम आता है और लिक्विड से वो एग्रावेट होता है। अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लेकेसिस के अंदर बहुत ज्यादा लोकेसिटी पाई जाती है, वो बहुत ज्यादा बोलती है, बहुत जल्दी अपने सब्जेक्ट्स को चेंज करती है। अगर लेकेसिस की फीमेल एक पेशेंट बन के आपके पास आएगी तो वो बहुत ज्यादा बोलेगी, आप पूछेंगे इतना बताएगी वो इतना, मतलब आप पूछेंगे एक बताएगी दस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोकेसियस होती है। अगर हम इसको सांप के करेक्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं सांप की जीभ, आप देखेंगे सांप की जीभ बार बार बाहर निकलती है, ठीक है। हालांकि ऐसा इसलिए नहीं होता कि सांप को बोलना पसंद है, एक्चुअली जो सांप की जो जीभ होती है वो एक सेंस ऑर्गन होती है, वो सेंस करती है टेम्परेचर को। तो जब वो सांप, और सबसे बड़ी बात जैसे हम ह्यूमंस की जो जीभ होती है वो टेस्ट के लिए होती है, लेकिन सांप की जो जीभ होती है वो स्मेल के लिए होती है, उसको ह्यूमन की स्मेल सेंस हो जाती है और ह्यूमन का टेम्परेचर सेंस हो जाता है। इसलिए सांप कहीं जा रहा है वो उसने जीभ निकाली और उसने उससे वो सेंस कर लेगा कि आसपास कोई ह्यूमन है कि नहीं, मतलब स्मेल भी आ जाती है उसको ह्यूमन की और उसका टेम्परेचर भी सेंस कर लेता है और वहां काट जाएगा। तो ये तो हो गई बेसिक बात, पर फिर भी सांप जो बार बार जीभ निकालता है उससे
आप ये हिंट ले सकते हैं कि लैकेसिस का पेशेंट लोकेशियस क्यों होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 10 कैरेक्टर यहां पर बताए जो सांप के कैरेक्टर से लैकेसिस के कैरेक्टर का मिलान करते हैं, या आप लैकेसिस के इन 10 कैरेक्टर्स को सांप के कैरेक्टर से याद कर सकते हैं। यहां पर मैं एक कैरेक्टर और जोड़ना चाहूंगा, हालांकि ये 11 हो जाएंगे, लेकिन एक कैरेक्टर मैं और जोड़ना चाहूंगा। ज्यादातर जो कंप्लेंट्स हैं लैकेसिस की वो नाइट में एग्रावेट होती हैं, रात में। इसको अगर हम सांप के कैरेक्टर से मिलाएं तो ज्यादातर स्नेक्स जो होते हैं वो रात में निकलते हैं अपने बिलों से, ज्यादातर उन्हें अंधेरे, चूंकि अंधेरा हो जाता है तो ठंडा हो जाता है तो बाहर आना चालू कर देते हैं। तो ज्यादातर जो स्नेक बाइट होती हैं वो आपको रात को देखने में मिलेंगी। तो इससे हम ये हिंट ले सकते हैं कि क्यों लैकेसिस का पेशेंट नाइट में एग्रावेट होता है। तो दोस्तों ये थी एक मेरी कोशिश जिसमें आपको मैंने लैकेसिस के कुछ कैरेक्टर्स सांप के कैरेक्टर से मिलाकर आपको लैकेसिस याद कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को और लोगों में शेयर करें जिससे सभी लोगों की नॉलेज बढ़ेगी। थैंक यू, गुड बाय।